हरे कृष्णा, सभी आ गए हैं? वो आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, पीछे पीछे आ रहे हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ पीछे है। हरे कृष्णा, ब्लेस सचिदानंद गौर हरि की, सचिदानंद प्रभु की, रामानंद प्रभु की, सिखी माए की, माधवी दास की, लिताई गौर ब्रह्मानंद हरे बोल हरे कृष्णा। हम सोचते हैं यहीं पर थोड़ी सी कथा सुन लेते हैं, क्या बनवा देने हमारे लिए सब लोग। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अभी बड़े थोड़ी समय बैठ जाओ, फिर यहीं पर कथा सुनकर चले जाते हैं। उधर जो जगह है ना, उधर जगह सही नहीं है। हरे कृष्णा, बलस वृंदावन बिहारी लाल की, उनका साथ साथ हमारे भक्त लोग भी हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। दर्शन कर ले महाराज जी, ओई दिए गेले ना, अपने ओखाने कोथाय जागा पाबे ना बसाने, अपने एखाने कथा बोले दिए ना, ओखाने दर्शन करे चले जेते पारे, कि करबे महाराज। Krishna Krishna Hari 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 Rama Hari Rama Pass me a jao Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna Pass me a jao Hari Bol Hari Rama Hari Rama 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari 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 Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol हरे कृष्णा। हाँ हम लोग समवन टू ट्रांसलेट कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं, कौन कर रहा है? वो सब कर रहे हैं, सब समझता है, सब समझता है ना, ना सब बूझता है, बांग्ला एक्टिव एक्टिव बूझता है कि नहीं साहब? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, ओके हरे। बोलता बोलता है, आप लोग हिंदी में बोलता के क्या बोलता है? हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गुरुदेव की प्रभुपाद की हरे कृष्णा। हम लोग श्री क्षेत्र धाम परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम है बेंटोपुर। क्या नाम है? बेंटोपुर। लेकिन ये बेंटोपुर नहीं है, ये स्थान का नाम है कहते बैकुंठपुर। क्या नाम है? बैकुंठपुर। क्योंकि जब श्रीमन महाप्रभु इस जगत में आते हैं कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम सहबतरी। जब भगवान इसी जगत में आते हैं वो धाम को लेकर के परिक्रमा को लेकर के आते हैं, हैं? इसलिए असली जो स्थान का नाम बैकुंठपुर है, बैकुंठ मतलब भगवत धाम है, हैं? लेकिन अपभ्रंश होते होते इसका नाम हो गया बेंटपुर। लेकिन इसका एक नाम श्री गोपीनाथपुर है। बोले क्यों? कहते श्री जो माधवी दासी कहते उनको जो अंदर में जो विग्रह है श्री राधा गोपीनाथ, अंदर में श्री राधा गोपीनाथ, इसलिए इनके नाम पर ये स्थान का नाम भी गोपीनाथपुर है। ये जो स्थान है ये महाप्रभु का जो परिक्रमा में कहते ना उनकी तो सबके सब उनकी भक्त है, लेकिन होने पर भी उसमें 3.5 व्यक्तियों को उनको अंतरंग बताए, विशेष परिकर है। बोले 3.5 में कौन है? पहला नंबर श्री स्वरूप दामोदर, दूसरे नंबर में राय रामानंद, तीसरे नंबर में सिखी मायती, और आधा कौन है? श्री माधवी देवी दासी। लेकिन आश्चर्य की बात है इनका जो तीनों 3.5 में यहाँ पर 2.5 का यही पर जन्म है। यहाँ पर श्री राय रामानंद जन्म हुए, सिखी मायती और श्री माधवी, इसलिए आधा उनको मानी गई। इसलिए ये 2.5 महाप्रभु का अंतरंग में 2.5 भक्तों का यहीं पर जन्म हुए, इसलिए ये स्थान बड़ा महत्वपूर्ण स्थान ये स्थान है, हैं? इसलिए अभी हम जहाँ पर बैठे हैं कहते ये सिखी मायती माधवी देवी कहते इनकी ये जन्म स्थान है और इनकी लीला भूमि है। इसलिए कहते जो सिखी मायती है कहते ये पहले जगन्नाथ जी को तो खूब मानते थे, लेकिन महाप्रभु को भगवान रूप में मानने के लिए राजी नहीं होते थे। लेकिन इनका जो भाई जो माधवी देवी कहते उनके और एक भाई थे हैं मुरारी, कहते ये संपूर्ण रूप में महाप्रभु को ये साक्षात भगवान रूप में मानते थे। लेकिन इस सिखी मायती को बोलते थे देखो ये जो चैतन्य महाप्रभु ये साधारण नहीं, ये स्वयं भगवान है, ये कृष्ण स्वयं, ये जगन्नाथ जी स्वयं। बोले नहीं मेरे को विश्वास नहीं है, मेरे को विश्वास नहीं है। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक दिन उन्होंने महाप्रभु की चर्चा करते करते रात को शयन किया, शयन करते ही ये सिखी मायती को साक्षात जगन्नाथ और महाप्रभु दर्शन दिए। किस रूप में दर्शन दिए? उन्होंने देखा श्रीमन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को अंदर में पुनः पुनः प्रवेश कर रहे हैं और निकल रहे हैं। कभी प्रवेश करके दोनों एक हो जाते हैं, फिर उनसे निकलते हैं। और उन्होंने देखा महाप्रभु कैसे हैं कृष्ण प्रेम में महाप्रभु उन्माद होकर के राधा जी की भाव से उनको आंखों से आंसुओं की झरी बह रही है, मुंह से लाल टपक रहा है। उन्होंने महाप्रभु का दर्शन किया लेकिन स्वप्न में देखा महाप्रभु को तो इस रूप में, लेकिन उनने स्वप्न में देखा जगन्नाथ जी का आंखों से आंसू बह रहे, उनको मुंह से लाल टपक रहे हैं। जैसे महाप्रभु को देखा है ना ठीक जगन्नाथ जी को भी ठीक वैसे दर्शन किया। मतलब जगन्नाथ जी ने बोले देखो ये चैतन्य महाप्रभु में कोई अलग नहीं, हम दोनों एक ही है। फिर उसको बाद में फिर ये पूरा के पूरा महाप्रभु के परिकर तो प्राप्त किया, महाप्रभु में इनके पूर्ण विश्वास हो गया। इसलिए यहीं पर श्री सिखी मायती का जन्म स्थान है और माधवी देवी की जन्म यहीं पर। वहां पर बन महाराज जी जो छोटा हरिदास ठाकुर को जो बात बता रहे थे यहाँ पर सब घटना है। और यहीं पर श्री वहां पर कोई जगह है नहीं राय रामानंद प्रभु का घर में, वहां पर छोटी सी जगह, खड़े होने ज्यादा नहीं देते हैं, लेकिन यह थोड़ी सी जगह है इसलिए यहीं पर श्री राय रामानंद प्रभु का भी ये जन्म स्थान है। कहते राय रामानंद कौन है? जैसे महाप्रभु पूर्ण है कहते महाप्रभु का जितने परिकर है ना वो सबके सब भी पूर्ण है,
है, कहते राय रामानंद के अंदर में पहला नंबर ये कौन है, कहते श्री विशाखा सखी है। बोले दूसरे नंबर में कौन है, कहते इनका, कहते अर्जुन एक गोपी है जिनको अंदर में ये अर्जुन का गोपी भी निवेश है, और तीसरा नंबर में इनके अंदर में ललिता की थोड़ी सी अंश है, और चौथा नंबर में इनके अंदर में ये अर्जुन। इसलिए यहाँ पर भी भवानंद राय यही पर जन्म स्थान। ये भवानंद कौन है, महाप्रभु कहते भवानंद तुम्हें पांडु, ये भवानंद और कोई नहीं, वो स्वयं पांडु है, हैं? और जो पांच बेटे, उनके पांच बेटे थे, कहते ये तुम पांडु, तुम्हारे जो पांच बेटे हैं ना, ये पांच बेटे नहीं, ये पंच पांडव है। इसलिए बोले राय रामन कहते भवानंद से संगे नाचे, पंच पुत्र संगे नाचे राय भवानंद। इसलिए ये भवानंद कहते पांच पुत्रों को साथ में वो महाप्रभु का प्रेम में उन्माद होकर नृत्य करते हैं। इसलिए पंच पांडव का जन्म स्थान भी यही पर पंच पांडव ने जन्म ग्रहण किया। कहते जहाँ पर पंच पांडव कृष्ण के इतने प्यारे भक्त जहाँ पर जन्म ग्रहण करते हैं वो स्थान साधारण स्थान नहीं। इसलिए यही पर श्री राय रामानंद उस समय गवर्नर थे, ये बड़े रसी, क्योंकि ये स्वयं विशाखा सखी अनुराधा है, ये स्वयं ये विशाखा श्री अनुराधा है, ये एकदम रस में एकदम डूबे हुए थे। लेकिन कभी कभी इनको सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में तर्क वितर्क होता था, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जो मायावादी, जो भगवान को निराकार निर्विशेष ब्रह्म मानने वाले और भगवान की लीला को माय की मानते हैं, लेकिन राय रामानंद ये विशाखा सखी है। जब कृष्ण लीला राधा कृष्ण के प्रेम में एक भजन है ना, क्या भजन है राय रामानंद का भजन है महाराज जी, कौन सा भजन है? हाँ, कालयति नयनम् देशे देशे बलिताम् पंकजमिव मृदो मारुत चलिताम् कलयति नयनम् देशे देशे बलिताम् पंकजमिव मृदो मारुत चलिताम्। बड़ी सुंदर सुंदर इनकी, बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर, बड़े उनकी रसयुक्त राधा कृष्ण की लीला युक्त, बड़ी सुंदर सुंदर इनका कीर्तन अद्भुत है। इसलिए राधा कृष्ण की सुंदर लीला को वर्णना करते थे, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य बोले क्या राधा कृष्ण की लीला, क्योंकि मानते हैं कृष्ण ही पहले ब्रह्म था, माया पकड़ लिया, इसलिए कृष्ण भी अभी जीव बन कर कृष्ण बन करके आ गया, जब इनकी मुक्ति हो जाएगी वो भी ब्रह्म बन जाएंगे, इसलिए इनका फिलोसफी मायावादी, इसलिए प्रभु की लीला को माया की मानते हैं। लेकिन इनकी कथा, लेकिन जब श्रीमन महाप्रभु कल गए थे ना सार्वभौम भट्टाचार्य को, महाप्रभु जब उन्होंने एकदम भक्त बना दिया, सड़भुज रूप दर्शन दिलाया और बोले मैं कौन हूँ, बोले वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ मेक पुरुष पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्रिजम तमाम प्रपद्धि। जब उन्होंने देखा स्वयं पुराण पुरुष भगवान कृष्ण राम स्वयं मिलकर के श्री ये चैतन्य महाप्रभु है, जब ये बात उनको पता चला फिर तो वो इतने बड़े भक्त बन गए। हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े भक्त बने, इसलिए फिर बोले ना पहले मैं कौवा था, का 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 करता था, मेरे को कोयल बना करके महाप्रभु हमें प्रेम मधुर रस को हमें आस्वादन डुबा दिया। फिर जब राय रामानंद है, जब श्री मन महाप्रभु फिर दक्षिणी यात्रा कर रहे थे, फिर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य कहते बोले प्रभु अगर आप जैसे रसी की भक्त है, अगर आपकी उपयुक्त अगर कोई संगी जगत में कोई हो, केवल एक व्यक्ति है, ये कौन है, श्री राय रामानंद। आप दक्षिणी जा रहे ना, जरूर आप उससे मिलना। और महाप्रभु तो इसलिए जा रहे थे, केवल राय रामानंद के लिए जा रहे थे। हाँ, इसलिए गुरुदेव एक अच्छी गुरुदेव बात बताते थे, बोले महाप्रभु राय रामानंद से क्यों मिले, कारण क्या है? बोले गुरुदेव कहते कारण है महाप्रभु कौन, कृष्ण राधा जी की भाव अंगकांति लेकर के वो राधा प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं। हाँ, कृष्ण प्रेम रस को, अभी तो गुरु चाहिए ना, गुरु के बगैर तो ज्ञान होता ही नहीं, लेकिन गुरु चाहिए। अभी जो जिसने उन्नत रस को आस्वादन करना चाहते हैं, आपको हाई फाई उतना गुरु जी भी उतना आपको हाई फाई गुरु भी चाहिए। साधारण व्यक्ति तो
है, साधारण व्यक्ति वो रस को तो आस्वादन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि राधा जी की भाव को कौन आस्वादन कर, राधा रानी तो करा सकती है ना, और तो कोई करा नहीं सकती है, लेकिन ये राय रामानंद कौन कहते श्री अनुराधा। अनुराधा मतलब राधा रानी की जितने क्वालिटी है, जितने उनकी राधा जी की गुण है, श्री राय रामानंद में विद्यमान है। इसलिए हाई भाई गुरु चाहिए, इसलिए महाप्रभु बहाना बनाकर कहां पर गए, गए वहां पर कावेरी नदी में, जब राय रामानंद स्नान कर रहे थे वहीं पर गए, और वहां पर उनको राय रामानंद वहां पर संवाद हुई। महाराज को कथा सुनाएंगे, राय रामानंद की कथा आपको सुनाएंगे, इसलिए वहीं पर उनकी मिलन हुई, और वहीं पर मिलन होकर के उनका जो वार्तालाप हुई ना, दिव्य है। हमारी संप्रदाय के लिए गुरुदेव कहते थे, जब तक कोई चैतन्य चरितामृत को बताए ना, अगर पृथ्वी का सारे ग्रंथ चले जाए, लेकिन चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ अगर जगत में रहे, सारे ग्रंथों को एक ग्रंथ अभाव पूर्ण करता है, हैं? इसलिए उसमें विशेष कर गुरुदेव के तो पांच टॉपिक है, एक राय रामानंद संवाद, रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, रथ यात्रा, और सार्वभौम भट्टाचार्य जी को साथ में उनकी जो वार्तालाप, ये जो पांच टॉपिक, उसमें राय रामानंद संवाद सबसे अनूठा संवाद है। जब तक ये संवाद को कोई नहीं पढ़े, हाँ, जब तक ये संवाद को कोई नहीं पढ़े, हम जो गौड़ीय वैष्णव है, क्यों हम गौड़ीय वैष्णव है भैया, केवल कंठी तिलक पहनने पर गौड़ीय वैष्णव कोई नहीं हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे, जब तक तुम राय रामानंद संवाद को तुम अध्ययन नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे, तुम पूर्ण रूप में गौड़ीय संप्रदाय कहने का लायक नहीं। कहा उन्होंने, वर्णाश्रम से सुर करते हैं भक्ति, जहां पर कर्मार्पित, उसको बाद में फिर ज्ञान मिश्रा भक्ति, फिर शुद्ध भक्ति, भक्ति में जो तारतम्य उन्होंने दिखाया, तास्य भक्ति, उसको बाद में सख्य भक्ति, फिर बात्सल्य भक्ति, उसको बाद में जब उन्होंने श्रृंगार, गोपियों की प्रेम को उन्होंने वर्णना किया, महाप्रभु तो प्रेम में गदगद हो गए, बोले कथा नहीं, तुम्हारी मुखारविंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की नदी बह रही है, और उसमें स्नान कर करके मैं तो अपने को कृत कृत मान रहा हूँ, गोपियों की प्रेम सुन करके हम एकदम मुग्ध हो गए। बोले हाँ, इसको ऊपर और कुछ है? राय रामानंद बोले, भैया जगत में इसको ऊपर पूछने वाले जगत में कोई है नहीं, इस जगत में, क्योंकि जो साध्यावधि है, तो जीव का जो अंतिम प्राप्ति गोपियों प्रेम, उससे ऊपर कोई और है नहीं, उसको ऊपर पूछने वाले कोई नहीं। मतलब पूछने वाले भाई तो महाप्रभु है ना, जगत में जीव पूछ नहीं सकता, लेकिन और तो कोई पूछ सकते हैं, महाप्रभु कृष्ण राधा रानी तो पूछ सकती हैं। फिर उन्होंने राधा रानी की प्रेम की उन्होंने महिमा बताए, अनया राधा तनुनम भगवान हरिश्वर जन्न विहाय गोविंद। जब उन्होंने ये श्लोक को बोले, महाप्रभु तो प्रेम में गदगद हो गए, प्रेम में गदगद हो गए, रासलीला करते करते कैसे कृष्ण वहां से चले गए, राधा रानी को लेकर के गोपियां ढूंढ रही थी, लेकिन कृष्ण का दोनों चरण देखा, लेकिन बीच का चरण चिन्ह देख करके वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए, बोले भैया भले ही है, कोई बोले है, वहां पर सब सखियां थी, लेकिन भले ही कोई बोले कृष्ण हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर सब गोपियां तटस्थ विपक्ष सपक्ष, यहाँ पर सब गोपियां थी, लेकिन रहते हुए भी कृष्ण किसको साथ में लेकर चले, किसको साथ में लेकर चले, केवल अनयार आदितनम, ये विशेष रूप में कृष्ण की आराधना की। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ये जो श्लोक है ना, जैसे दो दल में लड़ाई हो, अगर जिस दल का जीत हो जाता वो क्या करता है, शंख बजाता है, संख बजाता है, बोले भैया हमारे विजय प्राप्ति हमारी हुई है। मानो यहाँ पर तटस्थ विपक्ष सपक्ष सबके साथ में लड़ाई हो रही थी, लेकिन कृष्ण किसको लेकर गए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भले ही कोई बोले हम कृष्ण की सबसे प्यारा है, प्यारी है, लेकिन देखो तो सही कृष्ण किसको लेकर गए, बोले हमारे श्री राधा, बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए केवल राधा रानी को लेकर गए और किसी को नहीं लेकर। फिर महाप्रभु फिर प्रश्न करते हैं, बोले हाँ यहाँ तो राधा जी की प्रेम की पराकाष्ठा हुई, लेकिन पूर्ण रूप में नहीं। बोले क्यों? बोले कृष्ण छुपा करके राधा जी को लेकर गए। जैसे कोई इस क्लास है उसमें जिसको गोल्ड मेडलिस्ट मिलता है ना, सभी को सामने उसको दी जाती, देखो ये सारे छात्रों में गोल्ड मेडलिस्ट इसी व्यक्ति को मिला,
उसी तरह ऐसे कोई प्रमाण है क्या जिसमें राधा रानी की सर्वोत्तमता स्थापना करते हैं? फिर उन्होंने गीत गोविंद का श्लोक उद्धृत किए, कंसारी रवि संसार वासना बद श्रृंखला राधा माधव हृदय तत्तेज ब्रज सुंदरी। तब उन्होंने ये श्लोक को बोला, वहां पर सब गोपियां थी लेकिन राधा रानी जब चली जाती है, कृष्ण कैसे कुंज में बैठे बैठे करके से रोते हैं राधा रानी के लिए, कैसे उन्हें रोते हैं राधा रानी के लिए, सब सखियां थी लेकिन राधा रानी जो कृष्ण को सुख दे सकते कोई। ये श्लोक सुन करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, बोले वाह आज मेरा आना यहाँ सार्थकता हो गया है। इसलिए ये राय रामानंद संवाद में सब चीज को अच्छी तरह से डिजिटल रूप में बताए। अब श्री बन महाराज जी आपको वृंदावन ले जाएंगे, वृंदावन बन महाराज वृंदावन ले जाएंगे, अभी अब वृंदावन में बैठे हैं, अभी बन महाराज जी कुछ कथा सुनाएंगे आपको। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो नवद्वीप परिक्रमा को बाद में हम लोग श्री क्षेत्र मंडल में परिक्रमा में आए। देखो हम जहाँ जा रहे हैं महापुरुष की कथा सुन रहे हैं ना, महाप्रभु का जो अंतिम जो परिशिष्ट शेष कथा, महाप्रभु की जितने मधुर मधुर कथा यही पर सुनते हैं। मतलब यह आने पर है ना, कहते श्री नवद्वीप धाम का जो पूरी परिक्रमा संपूर्ण रूप में कहां पर पूरी होता है, पूरी पूरी में ही होता है, पूरी पूरी में ही होता है। इसलिए हम लोग भाग्यवान है वैष्णव के अनुगत में श्री क्षेत्र मंडल आए। ठीक है, बच्चा कल उधर कृपा सिंधु पावने भो वैष्णव भो नमः।